यहाँ हम 700 ग्राम पनीर लिए हैं, इसे हम कट कर लेंगे। आप जैसे पीसेस में कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। यहाँ हम सभी पनीर को पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा घी। देखिए 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें घी डाले हैं और 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे। बटर डालने के पहले इसमें घी या तेल ज़रूर डालें, नहीं तो हमारा बटर जल जाएगा। हमारा घी और बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पनीर। इसे हम एकदम हल्का हल्का सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सीख चुका, अब इसे हम निकाल लेंगे। बाकी पनीर को भी हम इसी तरह हल्का फ्राई कर लेंगे। टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, यहाँ 3 प्याज हम पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं और 3 टमाटर। आप चाहें तो प्याज नहीं भी डाल सकते हैं। कब भून चुका, अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। यहाँ हम 1 टेबल स्पून मगज डालेंगे, मगज से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। अब 15-20 काजू डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद हमारा प्याज टमाटर बहुत अच्छे से पानी रिलीज कर चुका है और देखिए कितना अच्छा से भून करके सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एकदम ठंडा कर लेंगे। इसे हम मिक्सी के जार में रख के एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। वाह, ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बनके हमारा तैयार हुआ है। डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून हम घी। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हम घी डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून धनिया डालेंगे, ये हमारा साबुत धनिया है, इसे क्रश करके डालेंगे ताकि हमारा पनीर बटर मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा है। और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम कस्तूरी मेथी, इसे भी हम हाथ पे ऐसे क्रश करके डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं, 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे, 1/3 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 इलायची, इसे हम हल्का हल्का बीच से फोड़ दिए हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें डाल के इसको अभी हम भून लेंगे। याद रखें मसाले भूनते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, नहीं तो आपका मसाला जल सकता है। हम ये हम अपना तैयार किया हुआ एकदम क्रीमी स्मूथी पेस्ट डालेंगे, देख रहे हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे चला चला के हम 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब ये हमारा दूध का मलाई है, अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, इससे और स्मूथी और क्रीमी बन जाता है ग्रेवी। अच्छे से मिक्स करेंगे।
उसमें एकदम हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इतना अच्छा क्रीमी हुआ है ना, आप देख सकते हैं कितना मस्त बना है। मसाले को पकाते समय टाइम मेंटेन कीजिएगा ताकि अच्छे से मसाला पके और टेस्ट अच्छे से आए। अब इसमें हम लास्ट स्टेप 1 टेबल स्पून इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम आएगी मार्केट स्टाइल होटल और रेस्टोरेंट वाली फ्लेवर चीनी से। अब इसमें डालेंगे हम सभी पनीर, और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बनके तैयार हो चुका। वाओ, लग रहा है ना यम्मी। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। वाओ, देख रहे हैं ना कितना क्रीमी बना है। ये देखिए बनके तैयार हो चुका। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।